जब आपने कौम को बुलाकर ये अल्लाह का पैगाम सुनाया तो कौम ने आगे से सवाल किया, सवाल ये किया जो अगर आप अल्लाह के नबी हैं, जो अल्लाह का प्यारा होता है, उसके कब्जा इख्तियार में कुछ होता है, वो अल्लाह की तरफ से उसे अल्लाह ताकत अता फरमाता है, जो अगर आपके पास कोई ताकत है तो हमें दिखाएं, तो मौजजा है हमें दिखाएं। तो अल्लाह के प्यारे कलीम हजरत मूसा कलीमुल्ला ने अपना ही हाथ अपनी बगल में डाला, जब बहर निकाला तो सूरज से ज्यादा चमक रहा था, ये आपका मौजजा था। जितने नबी आए अपने मौजजे लेकर आए, जब हजरत ईसा रूहुल्ला आपने अल्लाह के हुक्म से जब अपनी कौम को दावत दी कि ऐ अल्लाह एक है, अल्लाह को सजदा करें, मैं अल्लाह का रूहुल्ला हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, कौम ने कहा आप नबी हैं, आपके इख्तियार में कुछ होगा, हमें कुछ दिखाएं। आपने फरमाया क्या देखना चाहते हो? उन्होंने कहा जो भी है आप दिखा दें। आपने फरमाया ऐसे करें किसी अंधे को लेकर आए, अंधे को लेकर आए, वो अंधे को लेकर आए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्ला ने अंधे की आंखों पर हाथ लगाया, उंगली फेर दी, अल्लाह ने नूर अता फरमा दिया। आगे आपने फरमाया ऐसे करें किसी मरीज को लेकर आए, कोढ़ की मर्ज वाले को लेकर आए, आपने अपना हाथ फेरा, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। ये है नबियों के मौजजे। जब तेरे ते मेरे करीम आका सल्लम की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया सोनिया अब आप भी ऐलान फरमाए। कैसे ऐलान फरमाए? फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैल, फरमाया कि सोनिया अब उठे आप ऐलान फरमाए, अल्लाह एक है। ऐ काली कमली वाले अब उठे और लोगों को बताएं अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई और नबी नहीं आना है। अपनी रिसालत का भी ऐलान करें, मेरी तौहीद का भी ऐलान करें। जब तेरे ते मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, रिसालत का ऐलान किया, कौम ने वही सवाल किया जो और नबियों से सवाल किया था, तो अल्लाह के आखिरी पैगंबर तेरे ते मेरे करीम नबी ने फरमाया अरे लोगों, वो नबी आए एक दो दस पचास मौजज़े लेकर आए, मैं मौजज़ा लेके नहीं आया। लोगों ने कहा फिर? फरमाया अल्लाह ने मुझे सर से लेकर पांव तक मौजज़ा बनाकर भेजा है। अल्लाह ने मुझे सर से लेकर पांव तक मौजज़ा बनाकर भेजा है, बाकी नबी आए मौजज़ा लेकर आए, मैं मौजज़ा लेकर नहीं आया, बल्कि मैं मौजज़ा बनकर आया हूँ। जिंदाबाद। अब तवज्जो करना, मेरे नबी का कैसा मौजजा है? मेरे नबी की विलादत मौजजा, मेरे नबी का बचपन मौजजा, मेरे नबी की जवानी मौजजा, मेरे नबी का हजरत खतीजा उल कुबरा से निकाह करना मौजजा, मेरे नबी का हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को बिस्तर पे सुलाना मौजजा, मेरे नबी का हजरत अबू बकर सदीक को मुसल्ले पे ठहराना मौजजा, मेरे नबी का बदर में जाना मौजजा, मेरे नबी का उहद में जाना मौजजा, मेरे नबी का फर्श पे चलना मौजजा, मेरे नबी का अर्श पे जाना मौजजा।